हे फूडीज, मैंने डिनर में खाया था चावल के साथ कद्दू, मतलब कि सीताफल। अच्छे से वॉश करके मैंने कद्दू कट कर लिया है। आप चाहे तो छिलका हटा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो कद्दू के साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर लिया है। एक कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, आपको जो भी तेल पसंद हो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को 5 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाना को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और टमाटर। और इसके बाद हम मसाले डालेंगे, सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इन सबको थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद हम इसमें कद्दू डालेंगे। मैंने देखा है बहुत सी जगह पे जो सीताफल है वो मीठा बनता है, या तो चीनी या तो गुड़ उसमें डाल देते हैं। तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप किस तरह से सीताफल बनाते हैं। सीताफल कढ़ाई में डालने के बाद सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम में। और प्रेशर में अच्छे से पक जाएगा। तो हमने ऊपर से सिलबट्टा रख दिया। तो 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी निकल आया है कद्दू में से। अब हम इसको थोड़ी देर खुला पकाएंगे और उसके बाद फिर हम कवर कर देंगे बिना वजन के। और इस तरह से 5 मिनट बाद ये देखिए तैयार है। इसके बाद लास्ट में हम ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया से। तो आप इसे चावल या रोटी जैसे भी चाहें खा सकते हैं। मैंने इसे चावल के साथ खाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।